बहुजन क्रांति मोर्चा ने नागरिकता संशोधन बिल का किया विरोध। कलेक्टिव पर बैठे धरने पर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, बिल को रद्द करने की मांग। नागरिकता संशोधन बिल पास होने के बाद जगह जगह विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कलेक्टिव पर बहुजन क्रांति मोर्चा एकत्रित हुआ और नागरिकता संशोधन बिल का विरोध किया और कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर इस बिल को रद्द करने की मांग की। और उनका कहना है कि इस बिल को पास करने से अल्पसंख्यक मोर्चे में मुस्लिम समुदाय पर कुटाराघात किया जा रहा है और हमारा हक का हनन किया जा रहा है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। बहुजन क्रांति मोर्चा अपने राष्ट्रीय स्तर पर आज संपूर्ण भारत में 31 राज्यों और 550 जिलों में ये भारत सरकार द्वारा असंवैधानिक कानून पास करा करके नागरिकता संशोधन बिल के नाम से जो लाई है, वो हम मूल निवासियों और अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों हमारे अधिकारों, संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात है, उसका हम विरोध करते हैं और राष्ट्रपति जी को नाम जो ज्ञापन दे रहे हैं उसमें इसको रद्द करने की मांग करते हैं। मैं गुलाब सिंह चितौड़िया, जिला अध्यक्ष बहुजन क्रांति।